राजधानी दिल्ली दिवाली से पहले एक बार फिर गैस चैम्बर बनने वाली है, क्योंकि राज्य सरकारों की मनाही के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा दिनों दिन दम घोटू बन रही है। राजधानी पर मंडरा रहे इस खतरे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल जहां इसे लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वहीं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने किसानों की पराली जलाते हुए तस्वीरें साझा की है। जब जब सर्दी दस्तक देती है, तब तब दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। दिल्ली वालों का दम घुटने लगता है। प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ जाता है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। इस बार भी ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस प्रदूषण की वजह पराली है। जी हाँ, लाख मनाही के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों का किसानों पर बस नहीं। उन्होंने ट्वीट किया कि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसान फिर से बेसहारा महसूस कर रहे हैं। वहीं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने हरियाणा और पंजाब के विभिन्न इलाकों में पराली जलाने की तस्वीरें जारी की है। उन्होंने कहा कि तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बिना किसी रोक के पराली को जलाना जारी है। उन्होंने चेताया कि आने वाले हफ्तों में दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण का शिकार हो सकती है। इस चेतावनी के साथ ही उन्होंने मांग की कि दोनों राज्य पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाएं, ताकि दिल्ली को एक बार फिर दमघोटू हवा की चपेट में न आना पड़े। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल्ली को दमघोटू स्मॉग से जूझना पड़ा था। उस वक्त भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थी। पिछले साल तो हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।